ये विटामिन ई के कैप्सूल बड़े काम की चीज है। इसे अलग अलग तरीके से यूज करने पर आप अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो विटामिन ई के कैप्सूल्स को एलोवेरा के साथ मिक्स करके हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज करने पर आपके चेहरे पे और ज्यादा ग्लो आने लगता है। दूसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपनी स्कैल्प और हेयर पर लगाने से आपके हेयर चमकने लगेंगे। और तीसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को बादाम के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप अपनी आंखों के नीचे लगाते हैं तो डार्क सर्किल चले जाएंगे थोड़ी दिनों में। लोग आपके चेहरे को देखकर आपकी एनर्जी का पता लगा लेते हैं, आपका फेस और आपके बाल आपकी फ्रेशनेस के बारे में काफी कुछ कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रेश रहने के 3 सिंपल टिप्स बताता हूं। टिप नंबर 1, रात को सोते टाइम कभी भी मुंह के बल नहीं सोना चाहिए। जो लोग मुंह के बल सोते हैं उनके चेहरे पर रिंकल पड़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, इसलिए अपने पीठ के बल सोएं। नंबर 2, अपने चेहरे को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी से जो लोग अपने चेहरे को धोते हैं उनको इरिटेशन और ड्राइनेस ज्यादा फील होती है, इसलिए ठंडे पानी से धोएं। एंड नंबर 3, अपने बालों को डेली नहीं साफ करना चाहिए या फिर डेली नहीं धोना चाहिए। अगर कोई अपने बालों को डेली साफ करता है या धोता है तो उनके स्कैल्प से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिससे इन फ्यूचर आपको बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। गाइस, आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।